Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Tusha Gadia and I'm sure सबको ही पता होगा कि Myntra पे चल रही है end of season sale. तो मैं कैसे पीछे रह जाती, मैंने भी कुछ कुछ shopping करी है. सबसे पहले परंपरा के अनुसार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना सामान खरीदा इस बार. So this is all that I got this time. और ये सारे सिर्फ tops लिए हैं मैंने, एक भी dresses नहीं ली, कुछ बाकी नहीं लिया tops के अलावा, क्योंकि मुझे लगता है ड्रेसेस ना काफ़ी कम पहन पाते हैं हम लोग. एटलीस्ट मैं तो सिर्फ जब ट्रिप्स पे जाती हूँ या कहीं घूमने जाना होता है सिर्फ तभी ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन टॉप्स हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आते हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो. तो सारे टॉप्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए इस बार. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बड़े ही प्यारे टॉप से. कुछ ऐसा दिखाई देता है ये, इट्स इन कलर पीच और इसके ऊपर ऐसे मल्टी कलर पे प्रिंट हो रखे कुछ फ्लावर्स जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं. वैसे ये टॉप पूरा सी थ्रू है तो इसके अंदर आपको ट्यूब टॉप्स, पेगडी, सेंडो कुछ तो पहनना ही पड़ेगा. और इसके फ्रंट पे ऐसे नेक पे ऐसे बड़ी सुंदर सी फ्रिल दे रखी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. और इसके एकदम बॉटम पे भी पीछे पे इलास्टिक दे रखी है जिसके वजह से इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है. ऐसे दिखने में ना तो ये टॉप बड़ा एवें सा लगता है, लेकिन पहनने के बाद मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. इसको ना फॉर्मली और कैजुअली दोनों तरीके से स्टाइल कर सकते हो. और स्पेशली मुझे पसंद आया इसका ये नेक फ्रिल्स और इसके हाथों पे भी ऐसे कुछ डिज़ाइन दे रखा है जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगा. इसको मैंने लिया था इन साइज़ एस और मुझे आई थिंक काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है. ऐसे नीचे कुछ था नहीं, नहीं तो मैं शायद एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाती, लेकिन ऐसे इसका सबसे छोटा साइज़ है तो ठीक है, कोई बात नहीं. बट अच्छा लगा मुझे फिटिंग वाइज भी ये. और इसका प्राइस था 671 रुपीज़. थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, बट टॉप को जब मैंने देखा पहनने के बाद तो मुझे लगा ठीक है, मतलब अच्छा लगा मुझे ओवरऑल, क्योंकि इसका डिज़ाइन, इसका मटेरियल सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगा. मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है इसका, वैसे तो सी थ्रू है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ऐसे हार्श नहीं है स्किन पे. तो मटेरियल को लेकर, प्राइस को लेकर आई थिंक ये टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी और इसको मैं रेट करूँगी अ सॉलिड 7/10. सो नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस शर्ट टॉप. कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये एकदम शर्ट स्टाइल में है और ऐसे इसकी नॉट दे रखी है, ऐसे अपने पूरे वेस्ट पे बंद होके टाई हो सकता है ये बैक पे, जो कि काफ़ी क्यूट लगा मुझे. और इस पे पूरे पे ऐसे बोहो प्रिंट दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगा. ऐसा ना मैंने पहली बार कोई टॉप लिया ऐसे बोहो प्रिंट में, तो आई क्वाइट लाइक इट. कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो. और इसमें मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने इसको ऑर्डर कर दिया एम साइज़ में, इसी वजह से थोड़ा इलफिटेड है इसलिए वीडियो में ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा. अदरवाइज ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा सुंदर है सामने से, इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. उसके साथ ही इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा मस्त है, ऐसे बहुत सॉफ्ट अच्छा सा मटेरियल है इसका. प्राइस है इसका 674 रुपीज़, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा आई नो, बट स्टिल मुझे लगता है ये टॉप ना ऑफिस में पहन के बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो इसको भी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी और इसको मैं रेट करूँगी अगेन 7/10. तो ये दोनों टॉप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और जो भी कॉलेज या ऑफिस गोइंग गर्ल है आई थिंक उनके लिए ये टॉप बहुत ज़्यादा सुंदर रहेंगे. तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉप की तरफ, विच इज़ दिस वेरी क्यूट बैकलेस टॉप. तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसे रेड कलर के इसमें से फ्लावर्स बने हुए हैं, थोड़ा बहुत ग्रीन और वाइट कलर का भी टच है इसमें. इट्स बैकलेस और बैक पे इसके दो टाइप के नॉट दे रखे हैं बांधने के लिए. जो बॉटम वाला बैग है उस पर तो ऐसे मोटा सा कुछ दे रखा है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो सपोर्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है. और ऊपर एज इन इसके शोल्डर की तरफ से ऐसे पतले पतले से दे रखे हैं बांधने के लिए, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा लगा मुझे. और इसका जो मटेरियल है ना अगेन काफ़ी अच्छा है. आई थिंक मिंत्रा के जो कपड़े होते हैं ना उनकी क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी होती है, मुझे तो एटलीस्ट बहुत पसंद आती है. तो मुझे ये टॉप भी काफ़ी प्यारा लगा और इसको ना आप कैजुअली बड़े ही अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हो. एंड इट इज़ इन साइज़ एस और कम्प्लीटली परफेक्टली फिट होता है मुझे ये, तो इट्स ट्रू टू साइज, काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन भी, मटीरियल भी, सब कुछ. प्राइस है इसका 559 रुपीज़, जो कि मुझे लगता है इस टाइप के मटीरियल, इस टाइप के डिज़ाइन के लिए काफ़ी ठीक है. सो अगेन इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी और इस टॉप को मैं रेट करूँगी मे बी 7.5/10. तो अब बढ़ते हैं वीडियो पे आगे, बट उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी. मेरे साथ ना इस सिर में थोड़ा सा एक पोपट हो गया. हुआ ये कि मैंने सारे टॉप अपने पहले से ही कार्ट में ऐड करके रखे थे और मैंने सुबह जिस दिन सेल रात में स्टार्ट होनी थी, आज मैंने 31 की सुबह ही इसको डाल दिया ऑर्डर कर दिया और मुझे उस पर ओवरऑल डिस्काउंट मिला था आई गेस समवेयर अराउंड 500 रुपीज़,
फिर मुझे याद आया कि रात से तो सेल स्टार्ट है, फिर मैंने अपना ऑर्डर करा कैंसिल, रिफंड आ गया ऑफकोर्स सारा वापस, मिंत्रा है तो ट्रस्टेड है। फिर लेकिन जब मैंने रात को दोबारा से इसको ऑर्डर करा तब मुझे ओवरऑल डिस्काउंट मिला सिर्फ 400 रुपये। मतलब मेरे को सेल पे नुकसान हुआ इस तरह से। तो सेल का वेट मत करो, और सेल निकल भी चुकी है तो इट्स ओके। मतलब सेल से ना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है प्राइस पे, मुझे तो एटलीस्ट नहीं पड़ा, तो ठीक है सेल चली भी गई तो भी ऑर्डर कर लो। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस मल्टी कलर टॉप। और मुझे ना इस स्टाइल के टॉप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, एज इन जो थोड़े शर्ट लुक में होते हैं और जिन पे फ्रिल्स होती है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं वो। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ये अपना टॉप, और बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन है इसके, ऐसे बहुत लाइट सा सटल से कलर्स इसमें दे रखे हैं। और फ्रंट पे एज आई सेड फ्रिल है इसके, और हाथों पे भी इसके ऐसे फ्रिल्स दे रखे हैं जो कि बहुत क्यूट लगता है। एक चीज़ है इसकी, ये जो हाथों की इसकी इलास्टिक है इट्स अ लिटिल लूज, मतलब इसको हाथ ऐसे ऊपर करते हैं तो ये टॉप ऐसे इतना आ जाता है मेरा, शायद मेरे हाथ थोड़े पतले होंगे, आई एम नॉट श्योर ऐसा क्या है, बट यस दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये टॉप मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, ठीक ठाक लगा, बट फिर भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है इसका, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है इसका, साइज़ है इसका स्मॉल, और साइज़ आई थिंक थोड़ा सा इसका लूज़ लगा मुझे, तो दैट इज़ देयर। अगर आपको मंगवाना है एस पहनते हो तो एक छोटी साइज़ के लिए जाना, और प्राइस है इसका 398 रुपीज़, तो प्राइस के हिसाब से तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। तो इसको मैं रेट करूँगी मे बी अ 6/10। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज़ दिस वाइन कलर शर्ट टॉप। और इसको जब मैंने पिक्चर पे देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत बहुत ज़्यादा हाई थी, मुझे ऐसा लगा था ये बहुत ऐसे क्लासी, बहुत ही शीक, बहुत ही अच्छा सा लुक देगा, बट थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंट हुई इसके इसको लेकर। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत ही सिंपल सा है टॉप वैसे तो, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ना बहुत 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 अच्छा है, ट्रस्ट मी इट्स वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा मस्त लगा मुझे इसका फैब्रिक। वी नेक है इसका, नेक थोड़ा सा छोटा है, इसको पहनते टाइम ना ये जो नेक है इसका थोड़ा सा यहाँ पे स्टिचिंग इसकी मेरे से फट भी गई, क्योंकि इसका नेक छोटा सा इस वजह से, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। और बहुत ही प्लेन सिंपल सा शर्ट है ये, और इसका साइज़ है स्मॉल, साइज़ आई थिंक ठीक है, बट पहनने के बाद मुझ पर ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। और इसका प्राइस है 749 रुपीज़, तो आई थिंक इस प्राइस के लिए ये टॉप सही नहीं है, मुझे इसके हिसाब से ना प्राइस थोड़ा सा हाई लगा इसका, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, और इसको मैं रेट करूँगी 5.5/10। और ये सारे टॉप्स ना मैंने एग्जैक्टली रात को 12 बजे ऑर्डर कर दिए थे, जब सेल स्टार्ट हुई एग्जैक्टली 5 मिनट बाद उसके, लेकिन फिर भी आई एम येट टू रिसीव 2 मोर टॉप्स, मेरे पास अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए वो, और मुझे कल डालना है वीडियो, तो मैंने कहा ठीक है जो भी आ गए एटलीस्ट उनको ही डाल देते हैं। तो अगला है हमारे पास ये ब्लेजर स्टाइल टॉप। अगेन इसको जब मैंने पिक्चर पे देखा ना आई वॉज जस्ट वाउड बाय इट, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा इसका स्टाइल, इसका प्रिंट सब कुछ, और ऐसे ही प्रिंट का टॉप मेरे पास था भी नहीं, तो आई थॉट ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है टॉप, एज आई ऑलरेडी सेड कि ब्लेजर स्टाइल में है इसे पहनना है इसको। और फ्रंट पे इसके ये देखिए हमें स्ट्रिंग्स इसको टाइट वगैरह करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही प्रिटी प्रिटी कलर्स हैं वैसे इसमें, यू नो ऐसा मल्टी कलर में दे रखा है, ऐसे पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो सब कलर्स हैं इसमें, और बड़ा ही सुंदर प्रिंट है इसका। और अगेन आउट ऑफ ऑल दीज टॉप्स इसका मटेरियल सबसे ज़्यादा अच्छा है, इतना सॉफ्ट मटेरियल इसका, इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका, व्हाट डू आई टेल यू गाइस। तो मैंने ऑर्डर करा था इसको एक्स्ट्रा स्मॉल में, सो गो फॉर अ स्मॉलर साइज़, एक छोटा साइज़ लोगे तो अच्छी फिटिंग आएगी। और प्राइस है इसका बहुत ज़्यादा, जो कि है 1748। मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार इतना महंगा टॉप लिया है, आज तक मैंने सिर्फ मैक्स टू मैक्स 700-800 तक के टॉप्स लिए हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा लगा मुझे, बट इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और प्रिंट वगैरह भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल मुझे टॉप काफ़ी पसंद आया, बट स्टिल मुझे लगा टॉप के लिए थोड़ा महंगा है। सो आई एम येट टू डिसाइड कि इसको रखना है या रिटर्न करना है, क्या करना है, यू गाइज मे हेल्प मी विद दिस। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, मेरे पे कुछ ऐसा लग रहा है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन इफ़ आई शुड कीप इट और रिटर्न इट। मैं वही करूँगी जो आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं तो बहुत कन्फ्यूज हूँ इसको लेकर। और यस दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉप। तो अब बढ़ते हैं हमारे इस हॉल के लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉप की तरफ, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट टॉप इन दिस एंटायर हॉल। सबसे पहले तो दिखाती हूँ कैसा दिखता है वो। तो ऐसा दिखता है ये टॉप, कुछ बहुत ही सिंपल सा दिखाई दे रहा है आई नो दिखने में, तो जब मैंने इसे देखा तो मुझे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं इसे ऐसे सामने से देख के। और इसका प्राइस ना इन सब में सबसे 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 ज़्यादा है, मैं आगे बताऊँगी प्राइस। तो
कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये कम्प्लीटली सी थ्रू, बहुत ही ऐसा शेयर मटेरियल है ये, तो अंदर इसके भी आपको ट्यूब टॉप पहनना पड़ेगा। इसका नेक मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, ऐसे नॉट दे रखे बांधने के लिए, तो बहुत ही क्यूट सा ऐसे नॉट लगी इसकी मुझे। मटेरियल काफ़ी प्यारा है, सी थ्रू है बट बहुत ही सॉफ्ट अच्छा मटेरियल है इसका। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा मुझे इसका ये प्रिंट, इतने सुंदर सुंदर कलर्स दे रखे हैं इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे ये। और ऐसा स्टाइल का टॉप ना मेरे पास बहुत पहले था भी, जो कि अब ऑफकोर्स नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो मुझे काफ़ी पसंद आता है ऐसे जो ये ऑल्टरनेट टॉप होते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड मैंगो और इसी वजह से इसका प्राइस है 2167, यानी 2167 रुपीज़। इतना महंगा टॉप क्यों बनाते हैं ये लोग, थोड़ा सस्ता दे देते, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोई कपड़ा भी नहीं लगा है, तो कुछ ऐसे दिखाई देता। टॉप तो मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया, मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया टॉप। तो इसके लेके तो मैं एकदम कन्फ्यूज हूँ कि मैं इसको रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि इतना महंगा टॉप मैंने लाइफ में पहली बार लिया है, जो कि मुझे नहीं लगता ही डिज़र्व करता है इतना महंगा पैसा कोई भी टॉप, बट क्या करें, ब्रांड नेम के साथ जुड़ चुका है तो ऑफकोर्स इसका प्राइस बढ़ चुका है उस वजह से। लेकिन मुझे टॉप बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये, तो आप लोग मुझे प्लीज़ प्लीज़ इसको लेके तो बता ही दो कि रखना है या वापस करना है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, तो प्लीज़ बोल देना रख लो। बट आई डोंट नो, क्योंकि महंगा बहुत है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई नो कि महंगा बहुत है, लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा महंगा है सच में। मतलब 2100 रुपये का टॉप, एग्जैक्ट एक्चुअली 2200 का ही मान लो, 2200 रुपये का टॉप थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको सबसे अच्छा टॉप कौन सा लगा। मुझे लगा अपने लास्ट वाला मैंगो वाला टॉप हमारा 2200 रुपये का टॉप, लेकिन आप ही बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। और प्लीज़ मुझे बताना इफ़ आई शुड कीप दोज टू टॉप्स और नॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।